तो साथियों, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो नाम आपने स्क्रीन में शायद देख ही लिया होगा, बालाजी अमाइंस। इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्विक समरी हम ले लेते हैं यहाँ पे उनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। रेवेन्यू की हम बात करें तो YOY बेसिस पर कंसोलिडेटेड 48% की ग्रोथ है, 674 करोड़ का रेवेन्यू है। ये नंबर आप याद रखिए, क्योंकि आगे वीडियो में जब डिस्कशन होगा तो इस नंबर को एक बार मैं फिर से रिकॉल करूंगा। एबिटा की अगर हम बात करें तो 52% की ग्रोथ है, 144 करोड़ से बढ़ करके 219 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97 करोड़ से बढ़ करके 52% की ग्रोथ दिखाई है 148 करोड़ पर। और कंपनी के साथ ही साथ मार्जिन भी इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं, आप देख सकते हैं 21 ये पैट मार्जिन है, यहाँ पर 32% ये इनके एबिट्टा मार्जिन है। 32% थे, उसके बाद 25% पिछले साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं 33% हो गए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% से इंप्रूव होकर के 33% हो गए हैं। कंपनी यहाँ पर बेसिकली तीन पर्टिकुलर्स पर कार्य करती है, एमाइंस, एमाइन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल। और इस सेगमेंट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्ट हैं, और मेजरली ये सारे के सारे प्रोडक्ट फार्मा, एग्रो और केमिकल सेगमेंट में, और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स के इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन होता है। और दोस्तों, कंपनी ने जिस तरीके से फेज वन और फेज टू में अपने ग्रोथ प्लान को, अपने कैपेक्स को यहाँ पर एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सचेंज को नोटिफाई किया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हमने रेवेन्यू की बात की थी, 674 करोड़ है। फेज वन के अगर हम कंपनी के प्लान के बारे में बात करें तो इनका ये कहना है कि DMC प्लांट जो कि 90 एकर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यूनिट 4 है, वो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, और बाय द एंड ऑफ अगस्त 2022 इसका ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे DMC की जो पर एनम मैन्युफैक्चरिंग होगी कैपेसिटी, वो होगी 15,000 टन। इसके साथ ही साथ 15,000 टन का यहाँ से प्रोपाइल ग्लाइकोल भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि ओवरऑल हर साल रेवेन्यू में 250 से 300 करोड़ का जो है तो इजाफा करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर हम इसका मोटी मोटा एवरेज ले लें, 280 करोड़ ले लेते हैं एनुअल, तो यहाँ से क्वार्टरली हमारा निकल के आएगा लगभग 70 करोड़ रुपीज़। तो हर क्वार्टर में आप ये मान के चलिए कि इनके रेवेन्यू जो है वो 70 करोड़ रुपीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके हैं एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और ये है प्रपोज्ड कैपेसिटी। तो यहाँ पर DMC और प्रोपाइल ग्लाइकोल जिनकी बात हुई है, तो ये 15,000 की कैपेसिटी से यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इनका नाम ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो चुका है, कमीशनिंग हो चुकी है, अब ऑपरेशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ से रेवेन्यू आपको कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, अगर मैं ये कैपेसिटी को माइनस कर दूं, क्योंकि अभी तो यहाँ से रेवेन्यू आया नहीं है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको हटा दें तो ये हो जाता है 30,000 ऑलमोस्ट का कैपेसिटी, यानी कि कंपनी के पास अभी तक टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 लाख की, 2 लाख मेट्रिक टन। सारे नंबर्स यहाँ पर एनम के बेस पर बात किए जाएंगे, यानी मेट्रिक टन पर एनम। अब इसी फेज़ वन का दूसरा प्लान आप देखिए, यहाँ पे न्यू प्लांट है जो कि एसिटोनाइट्राइल का है, और यहाँ पे कंपनी जो है तो एक नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमीशन करने जा रही है, और उसकी कमीशनिंग जो है तो मिड FY 2024 तक हो जाएगी। और इस सेगमेंट में कंपनी जो एक्सपेंशन करने जा रही है वो 15,000 टन पर एनम का होगा, जो कि FY 2024 तक इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एसिटोनाइट्राइल की बात करें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 9,000, और कैपेक्स के बाद यहाँ पे 15,000 और ऐड हो जाएगी, जो कि प्रपोज्ड कैपेसिटी में है। कहानी सिर्फ यही नहीं रुक रही है, फेज टू की बात हो रही है, मिथाइल एमाइंस यहाँ पे ये मार्केट लीडर है। कंपनी का कहना है कि 48,000 टन पर एनम यहाँ पे ये मिथाइल एमाइन प्रोड्यूस करते हैं, इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर हैं। स्टिल इस सेगमेंट में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये जो कैपेसिटी है वो डिमांड को कैटर नहीं कर पा रही है। तो आप सोचिए, कोई मार्केट लीडर जो कि 48,000 टन पर एनम का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसके बाद वो कैपेक्स कर रहा है अगेन 48,000 टन पर एनम का, तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। और इस सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितनी सेल्स आती है ऑलमोस्ट अगेन जब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से भी इन कंपनी की जो सेल्स है वो डबल हो जाएगी।
सेम स्टोरी यहाँ पे आपको डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में देखने को मिलती है। यहाँ पे भी ये मार्केट लीडर हैं, 30,000 पर एनम का यहाँ पे अभी इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और अगेन 30,000 पर एनम का यहाँ पे कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है। तो ये रहे आपके डीएमएफ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 30,000 है, अनदर 30,000 यहाँ पे प्रपोज्ड है। मिथाइल एमाइन की बात करें 48,000 है और प्रपोज्ड यहाँ पे 40,000 है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड ब्यूटाइल एमाइन, ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी के पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है और कैपेक्स में कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रही है। 15,000 टन पर एनम का यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कंपनी करेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एनब्यूटाइलेमाइन, यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन प्रपोज जो है वो 15,000 है। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ अगर हम इसको भी हटा दें तो 200,000 मेट्रिक टन पर एनम का यहाँ पे इनका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जो यहाँ पे कैपेक्स कंपनी करने जा रही है वो लगभग 1,15,000 से लेकर के अगर हम इसको भी ऐड कर दें तो ये हो जाता है लगभग 1,45,000, यानी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग लगभग 2 times यहाँ पे कंपनी जो है तो प्रपोज्ड कैपेसिटी का कैपेक्स प्लान करने जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी की ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 2 times होती हुई देखने को मिलेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2 times होते हुए देखने को मिलेगी, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी और डेफिनेटली उसका जो फैक्टर इन ग्रोथ है वो आपको इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यही रीज़न है कि मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में फोकस करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर देखिए कि क्या वो कंपनी कैपेक्स करने जा रही है। अगर छोटे साइज़ की कंपनी है या मिड साइज़ की कंपनी है और वो अगर कैपेक्स करती है तो डेफिनेटली मार्केट उसके इस कैपेक्स को रिस्पेक्ट देगा। कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात करें, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एमाइन सेगमेंट की बात करें जुबिलेंट फूड हो गया, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, सन फार्मा हो गया आपने सुने होंगे, ग्रेनवेल्स हो गए, इसके अलावा एचपी, इधर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, दीपक नाइट्राइट, तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट बेस काफ़ी बेहतरीन है। अदर देन दैट कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, होटल बिजनेस में भी इसने स्टार्ट किया है। पहला जो है तो यहाँ पे बालाजी सरोवर प्रीमियर करके इन्होंने अपना एक होटल सोलापुर में ओपन किया है जहाँ पे 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ऑल दो पूरा का पूरा ये कैश इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज अ मिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी। और जैसा कि यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं तो ये एक टाइप है और टाइप किया गया है सरोवर ग्रुप के साथ, दैट इज वाई यहाँ पे नाम आपको बालाजी सरोवर प्रीमियर के नाम से देखने को मिलेगा। दिस इज द 5-star होटल इन सोलापुर। कंपनी के अगर हम पिछले 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 2020 तक यहाँ आपको कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव आया, पीएलआई स्कीम्स आई और चाइना के केमिकल प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है यहाँ पे बालाजी अमाइंस को और भी बहुत सारी केमिकल कंपनीज को देखने को मिला। तो डेफिनेटली ये जो CAGR में ग्रोथ जो है तो इन 2 सालों में जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, तो जिस तरीके से कंपनी का कैपेक्स आ रहा है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसी ही रेवेन्यू में ग्रोथ आगे भी आपको देखने को मिलेगी। अदर देन दैट यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, तो इसके बारे में भी एक बहुत ही प्यारा सा अपडेट है। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ने तो जो है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो IPO लाना है उसका अप्रूवल दे दिया है। कंपनी के अगर हम यहाँ पे कुछ क्विक रेशियोज़ की बात करें, करंट एसेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़े हैं कंपनी के, लाइबिलिटीज़ में उतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। डेट की बात करें तो कंपनी का डेट जो है ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्लाइन किया है। इसके अलावा बात करें अगेन आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम का बेनिफिट है, 2020 में कंपनी का लॉस था, वहाँ से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट जो है 10 times हो चुके हैं। और ये ग्रोथ आपको सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं सेल्स में भी देखने को मिलेगी, सेल्स भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 times सेल्स हो गए हैं और प्रॉफिट 10 times है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। बाकी डिटेल्ड वीडियो में इसके बारे में लेके आऊँगा जब इसका IPO आएगा। तो कंपनी के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, 2020 तक अगर आप देखेंगे तो चार्ट में कोई खास हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली, रीज़न वहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कोई खास वहाँ पे ग्रोथ नहीं थी अप टू 2020, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी में जिस तरीके से अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन हुई है, प्रॉफिट कंपनी जो है तो काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं और सेल्स में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और वही रीज़न है कि ये स्टॉक जो है तो बहुत अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है।
लेकिन जैसा कि हमने पिछले क्वार्टर में देखा, कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन हुए, 33% से गिर करके 25% हुए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन हुई। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे चाहे वो एल्काइल अमाइन हो या बालाजी अमाइन हो, दोनों ही स्टॉक में हमें पिटाई देखने को मिली है। स्टॉक जो है 3000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक गिरा है और 2750 में इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट बना है। जिनके पास है ये स्टॉक ऑलरेडी, वो आराम से इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी का कैपेक्स प्लान बहुत ज़बरदस्त है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी फिलहाल जो चार्ट की अभी कंडीशन है, तो यहाँ पर जब तक ये क्लोजिंग अपनी 4000 के ऊपर ये नहीं दे देता है, तब तक यहाँ से ये स्टॉक बुलिश नहीं होगा। और जिस तरीके का रेजिस्टेंस है, तो या तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, या फिर एक बार फिर से ये अपने 3000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, वो बेटर है कि इस लेवल का वेट करें। जो लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इस लेवल का वेट कर सकते हैं, या फिर एक बार जब स्टॉक यहाँ पे 4000 के ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक बार फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आपको जो नए टारगेट्स होंगे वो 5000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।